सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अस गेमिंग। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं सोलो में ग्रैंड मास्टर। आप लोगों को पता ही होगा, आप बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, उसके चक्कर में मेरा मोबाइल जो होता है वीडियो बनाने में हीट हो जाता है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो अभी हम रात में वीडियो बना रहे हैं और कल सुबह अपलोड करेंगे, तो आप लोग मेरा स्कोर देख लेना कितना है। बाकी गाइज चलो फिर हम लोग चलते हैं रैंक पुशिंग करने के लिए, क्योंकि भाई आज हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रैंक पुश करना है। तो चलो फिर चलते हैं बिना किसी देरी के। अब इस वाले गेम में हम लोग, आज के इस वाले गेम में था मेरा एक किल, और मेरे अलावा यहाँ पास एक बंदा इलाप था जो कि भाई मेरे सामने होता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी रश करके जा रहे थे, और अभी मेरे पास है यहाँ पास AWM और UMP जो कि भाई काफ़ी OP गन है और अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो भाई इससे हम लोग इनिमी को टपकाने वाले। सबसे पहले यहाँ पास जो ये ग्लू मेल्टर होता है वो फेंकते हैं बंदे पे, लेकिन उससे उसको डैमेज नहीं पड़ता। तो यहाँ पास हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग आगे जैसे आते हैं बंदे को भाई काफ़ी ज़्यादा OP सा हेडशॉट लगता है, जिसके चक्कर में ना बंदे का जो हेलमेट होता है वो यहाँ पर से टूट जाता है और बंदे को मार के फिनिश कर देते हैं। ये वाला गेम हम लोग किए थे 2 किल, और 2 किल के साथ ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं बोया। इस वाले गेम के अंदर से हम लोग को मिलता है 22 का प्लस बाकी का वेपन ग्लोरी पाउस करके देख लेना, और 2 का स्ट्रिक भी लग गया था। और इस वाले गेम भाई मेरा एक फ्रेंड मेरे को वॉच कर, आप लोग देख सकते हो। और अभी मेरा 4 किल है और मेरे अलावा यहाँ पास 4 बंदे और अलाइव है। इस वाले गेम में हम लोग पूरा रस खेल लेते, इसलिए गाड़ी लेके हम बंदे के पास आते हैं। यहाँ पास एक बंदा है जिसको भी हम लोग मारेंगे, तो यहाँ पास गाड़ी लेके आते हैं और वेट करते उतने में भाई 2 बंदे एक दूसरे के पीछे जा रहे थे, जिसमें तो हम लोग एक बंदे को यहाँ पास काफ़ी डैमेज देते हैं। ये बंदा तो मर जाता है और दूसरा वाला बंदे को भी हम लोग यहाँ पास मार देते हैं, तो दोनों के हमको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पास एक बंदा और अलाइव रहता है जो कि भाई मेरे सामने जो कि उनको मार रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको हम लोग गाड़ी से उड़ाना चाहते हैं और यहाँ पास उड़ा भी देते हैं। उड़ाने के बाद यहाँ पास काफ़ी डैमेज देते हैं, लेकिन ये बंदा सही टाइम पर ग्लूवा लगा लेता है और ऊपर से हम गाड़ी पर बैठते हैं तो उसका ग्लूवा टूट जाता है। और यहाँ पास बंदे को यहाँ पास काफी ज्यादा डैमेज दिए। इस वाले बंदे के पास कायरो से मेरा वेस्ट पे देख सकते हो कितना ज्यादा डैमेज पड़ रहा है। हमको यहाँ पास लग रहा था कि ये बंदा मर गया, लेकिन मरा नहीं था। ये बंदे यहाँ पास डिमिट्री ऑन कर लेता है, बंदे को यहाँ पास काफी डैमेज देते, बंदा वापस नॉक हो जाता है। नॉक होने के बाद इस बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं। और ये वाला गेम लोग कर लेते हैं 7 किल के साथ बोया। हम लोग यहाँ पास मिल रहा है टोटल 23 का प्लस। अब पता नहीं गाइस हम लोग को ना काफी कम प्लस दे रहा है, 10 किल कर तो कभी 26 का मिल जाएगा, कभी 27 का मिल जाएगा। अब हमको समझ में नहीं रहा ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो भाई 28 का मिलता था, लेकिन भाई कुछ कम कर दिया प्लस। अब इस वाले गेम में देखो क्या होता है, मेरे सामने एक बंदा तो वो डैमेज देते हैं। और इस वाले गेम में हम लोग चला रहे M4A1-3, ठीक है भाई, काफी OP सी गन है। तो यहाँ पास एक बंदे को हम लोग हेडशॉट मारते हैं और ये वाला बंदे को डाउन कर देते हैं, और यहाँ पास बंदे को ऑलमोस्ट फिनिश कर देते हैं, लेकिन ये जो बंदा होता है वो किल चोरी कर लेता है मेरा। इस वाले बंदे के ऊपर मेरा मन काफी गुस्सा हो रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई, अब बस बंदे को हम लोग मारेंगे, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बंदा वहाँ पास से लूटने गया है। और भाई एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि गाड़ी वहाँ पर है, क्या पता भाई बंदा गाड़ी लेके यहाँ पास से आ जाए, तो भाई इस बात का भी डर रहता है। और बंदा गाड़ी के पास चला भी गया, और पता है यहाँ पास से देखो क्या होगा, वो बंदा गाड़ी लेगा ही नहीं भाई। वो बंदा आराम से गाड़ी लेके यहाँ तक आ सकता है हमको मारने के लिए, लेकिन वो बंदा एकदम अजीब बंदा है, पता नहीं क्यों गाड़ी नहीं लिया। यहाँ पास से ग्लूवल लगा के आ रहा है, तो यहाँ पास हम बंदे का ग्लूवल तोड़ने का ट्राई करते हैं और बाद में बंदे को ही तोड़ देते हैं। तो ये वाला गेम हम लोग 12 किल के साथ बोया कर लेते हैं। हम लोग को मिलता है 27 का प्लस इस वाले गेम के अंदर से। अभी भी देखो 28 का नहीं मिला, एक प्लस कम मिला हमको, वरना फिर इससे पहले वाला अगर आप लोग सीजन देखोगे तो उसमें 28 का मिलता था, 29 का मिलता था, पता नहीं भाई क्या ही हो गया गेम को। तो यहाँ पर से देखो इस वाले गेम में मेरा 4 किल रहता है और मेरा यहाँ पर से एक बंदा और इलेवन रहता है। अब यहाँ पर देखो नीचे वाला जो बंदा रहता है उसके ऊपर हम लोग फ्लैश फ्रीज फेंकते हैं, जिससे उसको भाई 17 का ही डैमेज पड़ता है, ठीक है। तो भाई इस तरह बंदे को हम लोग वापस से नेड कुक करके फेंकते हैं, तो नेड जो होता है एकदम हल्का सा परफेक्ट जाता है, लेकिन भाई बंदा वापस से भाग जाता है। बंदा जैसे ही भागता है दूसरा नेट कुक करते हैं और सीधा बंदे के ऊपर फेंक देते हैं। और देख सकते हो मेरा फ्रेंड आया हमको वॉच करने के लिए, भाई वो भी आप लोग देखते रहना कि भाई मेरा फ्रेंड मेरा रात में कितना साथ देता है। तो यहाँ पर से 71 का डैमेज पड़ा बंदे को, और भाई मेरे पास अच्छा खासा मौका है बंदे को मारने का। एक और नेट कुक करके फेंक देते हैं, यहाँ पर से फेंके नेट और सीधा बंदे पर रश करते हैं क्योंकि डैमेज पड़ चुका है बंदे को। और भाई बंदे के पास पता नहीं MP5 है, तो यहाँ पर से काफ़ी डैमेज देने के बाद बंदा यहाँ पर से नॉक हो जाता है। नॉक करने के बाद यहाँ पर जल्दी से फिनिश कर देते हैं, और ये वाला गेम जो होता है हम लोग 5 किल के साथ कर लेते हैं बोया। और देख सकते हो हम लोग को 44 का प्लस मिला था, क्योंकि ये वाला जो गेम था ना मेरा डेली मिशन वाला था, इसलिए 44 का प्लस मिला, वरना फिर आप लोग जानते हो नॉर्मली 26-27 बस यही मिलेगा। अब तो भाई गेम पुराना जैसा रहा नहीं कि भाई आपको ज़्यादा प्लस मिले 50-50 करके। ये तो भाई अच्छा खासा सीज़न पहले आया था, भाई काफ़ी मज़ा आता था उस सीज़न में, लेकिन प्लस काफ़ी ज़्यादा मिलता था, उसके चक्कर में बंदे लोग भाई 2-2 लाख तक स्कोर कर लेते थे। तो यहाँ पर देखो इस वाला गेम में भाई 2 बंदे लाइव रहते, जिसमें से एक बंदा को काफ़ी डैमेज देता है। यहाँ पर से हमको लग रहा था कि ये वाला गेम हम लोग हार जाएंगे, लेकिन नहीं हारते हैं। ये वाला बंदे को भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। ये बंदे के पास बनी MP40 थी, लेकिन तब भी बंदा नहीं मार पाया, और ऊपर से वो वाला बंदा अगर मेरे पर रश कर देता तो हम लोग यहाँ पर से मर जाते। बट वो बंदा यहाँ पर से ग्लू मेल्टर फेंक रहा है, हम लोग को जल्दी से पहले ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, और वो जो बंदा है भाई एकदम अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, तो भाई उससे भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, वरना फिर हम लोग यहाँ पर से मारे जाएंगे।
और भाई सब ऊपर आ गए ऑलमोस्ट आ गए। हाँ चलो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं बंदे पे, हम लोग सीधा रस मारेंगे। यहाँ पर से घुसे भाई काफी डैमेज देने के बाद ये बंदा यहाँ पर से मर जाता है और गेम कर लेते हैं दो किल के साथ। बोया पता नहीं भाई इस पहले गेम में इतना कम किल क्यों था मेरा, बट छोड़ो कोई बात नहीं भाई, हम लोग को तो प्लस से मतलब है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके और गाइस हम लोग को मिलता है सिर्फ 19 का प्लस और 2 का बोया स्ट्रिक हो गया है। आजकल मेरा बोया स्ट्रिक इतना ज्यादा लग रहा है कि क्या ही बताया भाई, उनको बार बार तोड़ना पड़ रहा है। वरना फिर भाई आप लोगों को पता है ना डीसीएम भाई का आईडी ब्लैकलिस्ट हो गया था, तो उनको इसी बात का डर है कि कहीं भाई मेरा आईडी भी ब्लैकलिस्ट ना हो। तो बातों में एक बंदे को हम लोग यहाँ पास से मार देते हैं। अभी भी 3 बंदे और अलावा जिनको भी हम लोग को मारना है, 3 किल ऑलरेडी है मेरा गेम के अंदर। तो भाई यहाँ पास देखो एक बंदा अंदर घुसा, वरना इस वाले बंदे को हम लोग उड़ा देते हैं। उसमें से देखो एक बंदा मर जाता है। अब दोनों बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं अंदर, तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से भाई रखना पड़ेगा मॉन्स्टर, वरना फिर क्या पता भाई मॉन्स्टर लेके भाग जाए बंदा। तो यहाँ पर से बंदे को थोड़ा सा डैमेज देते हैं और फिर इधर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि भाई अगर भाई बंदा मेरा मॉन्स्टर लेके भागा ना फिर भाई तो यहाँ पर से मेरा गेम ओवर ही हो जाएगा, क्योंकि भाई भरोसा से भाई जल्दी जल्दी तो हम लोग तोड़ नहीं पाएंगे, बंदा हम लोग को उड़ा सकता है। तो यहाँ पर से एक बंदा मर जाता है, इसलिए लड़की के साथ फाइट करते हैं। लड़की को भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज देते हैं और लड़की डाउन हो जाती है। डाउन होने के बाद जल्दी से फिनिश कर देते हैं और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 4 किल के साथ बोया। और इस वाले गेम की तरफ से भी देख लेते हैं कितना प्लस मिलने वाला। लास्ट में ग्रैंड मास्टर वाला इमोज तो भाई जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग ग्रैंड मास्टर पे, तो हम लोग को मिलता है 21 का प्लस 4 किल के साथ। अब गाइस देखो इस वाले गेम में होता क्या है, जो वाल देख रहे हो ना सामने एनिमी वाला, तो उसके पीछे बंदा रहता है और आप लोग देख सकते हो वो वाल आधा जोन के अंदर है और आधा जोन के बाहर है। तो भाई पता नहीं बंदा डैमेज भी खा रहा है या फिर नहीं खा रहा, तो उनको ये एकदम समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें थोड़ा सा बंदे पे हम लोग रश करते हैं। अब एक बारगी हम लोग मुंह पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम लोग एक बारगी जाएंगे तो बंदा हम लोग को मार देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बंदे को टेस्ट करते कि बंदा यहाँ पर है कि नहीं है या फिर क्या पता पीछे चला गया हो। तो ये बंदा यहाँ पर से मेरे पे रश करता है कोबरा MP40 लेके, लेकिन बंदा तब भी हम लोग को नहीं मार पाएगा। आप लोग देखना ये बंदा यहाँ पर से सर्कल कर लेता है। तो मेरा प्लान था क्या यहाँ पर सिंपली कि ये जो सर्कल है इसको भाई पूरा ब्लॉक कर देते हैं, जिसके चक्कर में बंदा जोन से मर जाएगा। लेकिन ये बंदा एकदम सही टाइम पर ग्लू मेल्टर फेंक देता है, जिसके चक्कर में भाई मेरा सारा ग्लू वॉल टूटने लगता है। और ये देखना अभी ग्लू वॉल लगाएगा ना तो इसके सामने आ जाएंगे एकदम यहाँ पर, देखो एकदम यहाँ पर से 1 2 3 और ये देखो उसके मुंह पे सामने आ गए। पर तभी बंदे को भाई काफी ओपी सा हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 5 किल के साथ बोया। हम लोग को मिलता है 23 का प्लस इस वाले गेम के अंदर से। और मेरा ग्रैंड मास्टर का स्कोर देख ही सकते हो भाई कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहा है और 2 का बोया स्ट्रिक भी हो गया। अब इस वाले गेम में देखो होता क्या है, मेरे अलावा यहाँ पर से 2 बंदे अलाइव रहते हैं और यहाँ पर सामने एक बंदा रहता है, इसको हम लोग मारते हैं। और अभी मेरा 8 किल ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर ना एक बंदा है जिसके पास कायरोस कैरेक्टर है, और कायरोस कैरेक्टर अभी आप लोग जानते हो भाई एकदम वेस्ट का ना धज्जी उड़ा देता है, एकदम वेस्ट पूरा तबाह कर देगा 2 मिनट के अंदर भाई, जरा सा भी टाइम नहीं लगता एकदम तुरंत खत्म कर देगा। तो इसलिए हमको उससे डर लग रहा था कि क्या पता भाई बंदा मेरा वेस्ट फाड़ दे। ऊपर से भाई मेरा वेस्ट देख सकते हो कितना काला हो चुका है भाई, कसम से बता रहे अगर 2 गोली लग गया ना कायरोस से तो हम लोग यहाँ पास इजीली मर जाएंगे। लेकिन भाई हम लोग पहले बंदे को ही टपकाएंगे जो कि कायरोस वाला है, और ये बंदा ना एकदम राइट साइड है वो देखो आपको दिख गया होगा। इसलिए बंदे को भाई 2 गोली मारते और बंदा यहाँ पास मर जाता है, और जो आखिरी वाला बंदा रहता है हम लोग उस पर रश करते हैं, क्योंकि हम लोग लॉन्ग में फाइट लेंगे, क्या पता बंदा मेरा वेस्ट तोड़ दें। तो हम लोग ऊपर पहुंच गए और यहाँ पर जो बंदा रहता है वो बंदा खुद ही मेरे से फाइट लेने के लिए आ गया, लेकिन भाई बंदा गोली भी नहीं चला पाता, हम बंदे को मार के फिनिश कर देते हैं 10 किल के साथ। ये वाला गेम कर लेते हैं बोया, 26 का प्लस मिलता है इस वाले गेम के अंदर से। बाकी गज वेपन ग्लोरी अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, 4 का बोया स्ट्रिक भी हो गया था। इस वाले गेम में था मेरा 11 किल और मेरे अलावा 2 बंदे अलाइव रहते हैं। और इस वाले गेम में हम लोग काफ़ी ओपी एक्सामेट चला रहे थे, बड़े दिनों के बाद चला रहे थे, लेकिन भाई ये वाला जो स्किन है काफ़ी अच्छा है, ऊपर से साइलेंसर लगा हुआ है। हाँ रेट ऑफ फायर थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन भाई काफ़ी अच्छा हेडशॉट लग रहा था, क्योंकि उल्फड़ा कैरेक्टर लगा के आए थे और उल्फड़ा हम बहुत सालों के बाद आज यूज़ कर रहे हैं, तो भाई काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मेरा कैरेक्टर स्किल है। तो आप लोग भी चाहो तो ये लगा सकते हो भाई, काफ़ी मज़ा आता है खेलने में। तो बंदे को हेडशॉट मार के फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पास एक बंदा और अलाइव रहता है जो कि भाई सामने की ओर रहता है। इस वाले का बंदे को भी देख सकते तो कितना ओपी सा हेडशॉट लगा, लेकिन बंदा नहीं मारा। तो यहाँ पर हम वापस कवर में जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि भाई बंदा क्या पता खुले में जाएंगे तो फिर बंदा हम लोग को मार देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं और बंदे के ऊपर हम लोग सीधा डस करते हैं। ये बंदा सेंटोरियो लगा लिया वहीं पर और वहीं पर घूम रहा है, तो बंदे को यहाँ पर काफी ओपी सा हेडशॉट लगता है, बंदा मर जाता है 13 किल के साथ। ये वाले गेम हम लोग कर लेते हैं बोया। हम लोग को मिलता है यहाँ पर 26 का प्लस इस वाले गेम के अंदर से। और बाकी सब भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर से वेपन ग्लोरी में कितना प्लस मिल गया है और 5 का बोया स्ट्रिक भी हम लोग का हो गया है। अब गाइस देखो ये हमारा लास्ट गेम प्ले होने वाला है। इस वाले गेम में देखो होता क्या है, मेरे अलावा यहाँ पर से एक बंदा अलाइव रहता है जो कि भाई हर गेम में नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन इस वाले गेम में ना जो बंदा रहता है वो भाई काफ़ी ज़्यादा HP वाला बंदा था, आपको हम दिखाएंगे अभी। मेरा 10 किल ऑलरेडी हो चुका है, ये आपको हम बताना भूल गए थे, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले फ्लैश फ्रीज फेंकते हैं, बंदे को डैमेज तो नहीं पड़ता लेकिन हमको ही पड़ता है, लेकिन मेरे पास एंटोनियो कैरेक्टर है जिसके चक्कर में जो डैमेज होता है वो रिकवर हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले ग्लूवल लगा लेते हैं और बंदा ना उस साइड लैंडमाइन लगा के आए, क्योंकि भाई उसको लग रहा है कि बंदे पर रश करें, लेकिन भाई मेरे पास जोन बना हुआ है तो हम बंदे पर रश नहीं करने वाले, अब बंदा ही मेरे पर रश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आराम से वेट कर रहे हैं और ऊपर से ग्लूवल लगा चुके, तो बंदा भाई कहीं ना कहीं
कूदेगा ना, और ये बंदा मेरे सामने आ जाता है। बंदे को यहाँ पर से दो गोली तीन गोली मारते हैं, लेकिन कुछ गोली मिस हो जाता है, उसके बाद कुछ गोली लगता है। अभी यहाँ पर से और गोली मारते हैं भाई, आप लोग डैमेज देखो भाई, इतना मार रहे हैं बंदे को, लेकिन भाई डैमेज कभी कभी कम पड़ रहा है, कभी ज़्यादा पड़ रहा है। अब गाइस देखो, इस समय हमको डर लग रहा था कि कहीं ये बंदा हमको मार दे, लेकिन भाई इस वाले बंदे को हम लोग यहाँ पर से मार देते हैं, और ये वाला गेम हम लोग कर लेते हैं 11 किल के साथ बोया, और इस वाले गेम की तरफ से मिलता है 47 का प्लस। तो आप लोगों को वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल पर और भी वीडियो है तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।